ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज अ ट्रांसेंडेंस फ्रॉम इग्नोरेंस टू इनोसेंस। अर्थात ध्यान अज्ञान से निर्दोषता में अतिक्रमण है। निर्दोषता इनोसेंस, उसमें आ जाना है अज्ञान से निकलकर। ध्यान सूत्र कहता है कि ये अतिक्रमण, यही ध्यान है। बात इसमें ये नहीं कही गई है कि अज्ञान अगर है, इग्नोरेंस है, तो हमको ज्ञान में जाना है। हमको जाना है इनोसेंस में, निर्दोषता में, क्योंकि निर्दोषता में वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। ऐसे जिसको हम अज्ञान और ज्ञान समझते हैं, वो एक ही चीज़ की बदलती हुई मात्राएं होती हैं, डिग्रीज का फ़र्क होता है। जिसे हम ज्ञान समझते हैं वो जानकारी का एक अलग ढंग होता है, और जिसे हम अज्ञान समझते हैं वो भी गलत जानकारियों का एक ढंग होता है। तो गलत सूचना और सही सूचना, गलत जानकारी और सही जानकारी, जबकि निर्दोषता नैसर्गिक है, नेचुरल है, और व्यक्ति का आत्मिक गुण है। इनोसेंस, इनोसेंस का एक जो सीधा सीधा हमारा साक्षात्कार होता है वो बच्चों से। हमेशा हम कहते हैं कि बच्चों जैसे इनोसेंट, निर्दोष। क्यों नहीं है कोई दोष बच्चों में? क्योंकि उनको नहीं पकड़ा है अभी कोई कर्तापन। वो अभी सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सीधे जुड़े हुए हैं स्रोत से। सीधे स्रोत से जुड़कर वो अपने जीवन को जीते हैं, और उनके ऊपर जब कर्ता का कोई बोझ नहीं है, तो उसी के साथ अहंकार का भी कोई बोझ नहीं है। ये जो अहंकार पीड़ित करने वाला होता है, वो कर्ता के साथ खड़ा होता है। वैसे तो अहंकार को भी मैं दो तरह से ही कहता हूँ, फंक्शनल और फिक्शनल। तो ये जो परेशान करने वाला है वो फिक्शनल ही होता है, वो खड़ा होता है हमारे अज्ञान पर। और फिर एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि अज्ञान को हम हमेशा कहते हैं अंधेरे जैसा, अहंकार को भी हम कहते हैं अंधेरे जैसा। यानी कि वो है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी जो उपस्थिति है वो इतनी सशक्त है कि हमको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है, हमको अपने भीतर खींच लेती है। और अंधेरे को अगर हमें ख़त्म करना है तो क्या करना है? हमको रोशनी पैदा करनी है। अंधेरे को उठाकर कहीं नहीं फेंकना है, बस एक रोशनी, एक दिया, और अंधेरा टूटता है, रोशनी फैलती। ये अनुपस्थिति जैसा अंधेरा है, तो अज्ञान भी अनुपस्थिति जैसा है। वो लगता है कि है, लेकिन वो सचमुच में नहीं है। अगर बस हम निर्दोषता की कोई भी झलक, कोई भी निर्दोषता की किरण हम अपने भीतर लाएं, तो वो एक दिए को जलाने जैसा होता है, वो टूटता है, अज्ञान टूट जाता है। निर्दोषता बस आती है इतनी ही समझ से कि जीवन में हम हमेशा स्रोत से जुड़े हुए हैं, और वहीं से निकलकर सब क्रियाएं, सब कर्म घटते हैं। और जैसे ही ये कर्तापन की पकड़ ढीली पड़ती है, निर्दोषता प्रकट होने लगती है। वो हमारा सबका आंतरिक गुण है, उसको लाना नहीं है। और एक बार वो आ जाती है तो उसके पीछे पीछे ज्ञान की सारी संभावनाएं खुलती हैं। ज्ञान जो जीवन में उपयोगी है, ज्ञान जिससे जीवन में कोई खिलावट आनी है, वो सब उस निर्दोषता के आयाम में धीरे धीरे प्रकट होता रहता है। इसीलिए सूत्र कहता है कि इग्नोरेंस से इनोसेंस में ट्रांसेंडेंस है। इग्नोरेंस से लड़ाई नहीं लड़नी है, बस समझ लेना है बात को, और अपनी निर्दोषता में ठहर जाना है।